मुंबई शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल बहुत जल्द इतिहास हो जाएगी। रेलवे बोर्ड ने 238 वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों की खरीद को मंजूरी देकर उपनगरीय रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों का निर्माण केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक मेक इंडिया गाइडलाइंस के तहत किया जाएगा। MRVC प्रवक्ता ने बताया कि खरीद MRVC द्वारा की जाएगी। यह खरीदारी 35 साल तक चलने वाली मेंटेनेंस जरूरतों के साथ होगी। गौरतलब है कि लोकल ट्रेन देश की आर्थिक राजधानी की लाइफलाइन कही जाती है। हर रोज लाखों की संख्या में यात्री लोकल ट्रेनों से यात्रा करते हैं। वंदे भारत मेट्रो भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का मिनी वर्जन है। इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी। इसमें एक अत्याधुनिक रेक होगा जिसे लगभग 100 किलोमीटर दूर शहरों को कवर करने के लिए छोटी दूरी के लिए तैनात किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक वंदे मेट्रो ट्रेन पैसेंजर के यात्रा अनुभवों को बदल देगा। यह यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का मौका देगा। अधिकारी ने बताया कि नए रेक मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 और 3A प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा ट्रेन नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। यह दोनों प्रोजेक्ट्स क्रमशः 10,947 करोड़ और 33,690 करोड़ रुपए के हैं। जानकारी के मुताबिक वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दो उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर को चलाते हैं। इस दौरान कुल 3,129 सेवाओं के साथ 319 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। इसमें AC लोकल्स भी शामिल है। उम्मीद है आपको खबर पसंद आई होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशंस हिट से।